भारत और पाकिस्तान के बीच के रिश्ते किसी से छुपे नहीं हैं। साथ ही हम ये भी जानते हैं कि पाकिस्तान के पास खाने तक को दाना नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपनी शेखी बघाने से पीछे नहीं हटता। अरे भाई, जिस देश के पास खाने का भी इंतज़ाम ना हो, वो भला किसी देश से युद्ध कैसे कर सकता है। अब तक तो इस बात को पाकिस्तान के सिवाय पूरी दुनिया मानती थी, लेकिन अब तो पाकिस्तान की जनता भी ये मान रही है कि पाक सेना भारत से युद्ध नहीं लड़ सकती, और लड़ा भी तो बुरी तरह हार का सामना करेगी। भारत सरकार ने कश्मीर पर धारा 370 को जब से हटाया है, पाकिस्तान तो मानो तभी से अपनी नींद खो बैठा है। हर जगह वो भारत को खोखली धमकी दे रहा है कि भारत से युद्ध करेगा। भारत के फैसले का विरोध करते हुए पाक प्रधानमंत्री कहाँ तक नहीं गए, यूएन तक का दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन सिवाय चीन के किसी का साथ नहीं मिला। कश्मीर से धारा 370 हटना पाकिस्तान अपनी सबसे बड़ी हार मान रहा है और भारत को ही युद्ध के लिए ललकार रहा है। भारत से युद्ध को लेकर पाकिस्तान की जनता भी अब समझ गई है कि युद्ध में उन्हें सिवाय हार के कुछ नहीं मिलने वाला। पाकिस्तान की एक मशहूर लेखिका आयशा सिद्दीकी ने बयान में पाकिस्तान की सच्चाई सामने ला दी। आयशा ने कहा कि उनका देश भारत के खिलाफ युद्ध करने की स्थिति में नहीं है। आयशा ने अपने देश की बिगड़ी हुई अर्थव्यवस्था का जिक्र कर कहा कि पाकिस्तान मुद्रास्फीति की दर नियंत्रण से बाहर है, यानी कि उनका देश फिलहाल गंभीर मंदी का सामना कर रहा है। स्थिति में पाकिस्तान भारत से युद्ध नहीं कर सकता। आयशा ने POK में बसे कुछ लोगों से जब इस विषय में बात की तो वहाँ की जनता ने भी इस बात को मान लिया कि पाकिस्तान भारत से युद्ध नहीं कर सकता। जब आयशा ने उनसे इसका कारण पूछा तो उनका जवाब भी यही था कि पाक सेना युद्ध भी कर ले तो वो बुरी तरह हार जाएगी। तो दुनिया तो मान चुकी थी कि अगर युद्ध होता है तो पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अब पाकिस्तान के लोग भी ये मान गए हैं कि युद्ध में हार पाकिस्तान की ही होगी। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।